भैया भैया प्लीज पीछे रहिए। दुनिया की सबसे प्राचीन नगरी और हम सबकी सांस्कृतिक राजधानी और देश के सबसे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की कर्मभूमि काशी की पहचान भगवान विश्वनाथ धाम की इस कार्य योजना को आदरणीय प्रधानमंत्री जी की अनुकंपा से उनकी दूरदर्शिता के साथ आगे बढ़ाने की कार्रवाई जिस तेजी के साथ आगे चला है उसी की एक कड़ी है। आज यहाँ पर आरोग्य मंदिर नियति संस्था के द्वारा आने वाले श्रद्धालुओं के लिए आकस्मिक चिकित्सा सेवा का शुभारंभ होना और ITC के द्वारा भगवान विश्वनाथ जी को अर्पित किए गए पुष्प बेलपत्र धतूरा जो अभी तक चढ़ाए जाने के बावजूद बाद एक समय के बाद उन्हें फेंक दिया जाता था, आम जन की श्रद्धा इन सभी पवित्र वस्तुओं के साथ जुड़ी हुई थी क्योंकि भगवान विश्वनाथ जी को ये अर्पित होती थी। ITC ने इसका बेहतर उपयोग किया। अब एक कार्य प्रारंभ हुआ है, मंदिर ट्रस्ट और ITC ने मिलकर के पुष्प से, धतूरा से, बेल पल्लव से न केवल धूप और अगरबत्ती बनेगी अपितु इत्र आदि का भी निर्माण होगा
इसके साथ ही बड़ी संख्या में महिला स्वयंसेवी समूहों को इसके माध्यम से रोजगार का भी सृजन होगा। यह कार्य हर मंदिर के साथ जोड़ना चाहिए। धूप और अगरबत्ती की क्वालिटी भी इसके साथ बनी रह सकती है और साथ साथ महिला स्वयंसेवी समूहों से जुड़ी हुई उन सब माताओं बहनों को भी बड़ी मात्रा में रोजगार का सृजन होगा। मैं भी उन सभी स्वयंसेवी समूह से जुड़ी हुई महिलाओं से मिला हूं। मुझे लगता है कि शारदीय नवरात्र की प्रतिपदा के अवसर पर इससे बेहतरीन मातृशक्ति के सशक्तिकरण की कार्ययोजना दूसरी और क्या हो सकती है, जिसमें स्वयं आर्थिक रूप से स्वावलंबन की ओर अग्रसर हों। मैं मंदिर ट्रस्ट और ITC को इसके लिए हृदय से धन्यवाद देता हूँ। शारदीय नवरात्र की प्रतिपदा तिथि पर अपनी मंगलमय शुभकामनाएं भी देता हूँ। सर, एक सवाल ये है कि आए दिन जो आपके अभी हालिया बयान थे ईसाई धर्म और मुस्लिम धर्म पे, तो जिसकी वजह अर्थव्यवस्था पीछे होती जा रही थी सर, वो वैसे ही ने हमला किया सर। ठीक है, नहीं बोलेंगे वो भी खबर है भाई, अपना सवाल तो है ना, नहीं बोलेंगे तो इसका क्या मतलब।